मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के 100 दिन पूरे होने को लेकर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी बोले, प्रदेश में लगातार मोदी जी की गारंटी पूरी हो रही है। 5 साल से प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का काम बंद पड़ा हुआ था। विष्णुदेव साय की सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख आवास बनाने की स्वीकृति दी गई है। महतारी वंदन योजना प्रदेश में महिलाओं को 1,000 रूपए प्रति माह दिया जा रहा है। किसानों के खाते में बोनस की राशि जमा की गई है। आगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 11 की 11 सीटों पर जनता बीजेपी पर भरोसा जताएगी। हमारी सरकार के पूरे नहीं हुए और 100 दिन से पहले 13,300 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। महतारी वंदन योजना प्रारंभ हो चुकी है। 2 साल का बोनस 3716 करोड़ रुपए दिया जा चुका है। जो 18 लाख आवास की पहली कैबिनेट में स्वीकृति की घोषणा की जा चुकी है। पीएससी में सीबीआई जांच की घोषणा हो चुकी है और रिफॉर्म के लिए भी आज आपने पढ़ा होगा, जोशी जी की अध्यक्षता में रिफॉर्म कमीशन का भी गठन होगा है। अभी मैं बताना चालू करूं तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा। इतने काम 100 दिनों से पहले विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरा किया है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि वो करें क्या।